Hi and welcome to the Natural Language Processing course and also welcome to the Fathers and YouTube channel. उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने तफसीलन जाना कि डीप लर्निंग क्या है और परसेप्ट्रॉन और ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से क्या मुराद है और वो किस तरह से वर्क करता है. इस सेशन के अंदर हम क्रॉस और टेंसर फ्लो के हवाले से जानेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि हम क्रॉस पे काम किस तरह से करते हैं और साथ ही साथ हम इरिस फ्लावर डेटा सेट को इस्तेमाल करते हुए क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन और इसी तरह से उसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेसी को भी जान सकेंगे. जिस वीडियो के लास्ट तक आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि क्रॉस को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और प्री प्रोसेसिंग के स्टेप को क्रॉस में किस तरह से हैंडल किया जाता है. लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है. आप फाद हुसैन CSA यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो. इस पर क्लिक करने के बाद आप उसके प्ले लिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं वो इसके प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगी. विथ ईज आप इन्हें वॉच करके देख सकते हैं. इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटेरियल है विथ मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड जो मैं अपने मल्टीपल वीडियो पे परफॉर्म कर रहा होता हूँ वो तमाम मेरे ब्लॉग पर मौजूद है. गूगल पे जाके फाद हुसैन CSA सर्च करके मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CSBlogspot.com पर आओ. यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं. तो लिहाजा अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नत नई चीज़ें आप बड़े आसानी के साथ सीख सकें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंसर फ्लो क्या चीज़ है और क्रॉस टेंसर फ्लो को किस तरह से इस्तेमाल करता है. तो इस वक्त मैं विकिपीडिया पे मौजूद हूँ और इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि टेंसर फ्लो इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी फॉर डेटा फ्लो एंड डिफरेंशिएबल प्रोग्रामर अक्रॉस अ रेंज ऑफ द टास्क. इट इज़ सिंबॉलिक मैथ लाइब्रेरी एंड ऑल्सो यूज फॉर द मशीन लर्निंग एप्लीकेशन सच एज न्यूरल नेटवर्क. इट इज़ यूज फॉर द बोथ रिसर्च एंड प्रोडक्ट एट गूगल. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक ओपन सोर्स सिस्टम लाइब्रेरी है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो ना सिर्फ डिफरेंशिएबल प्रोग्रामिंग बल्कि साथ ही साथ मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल उसके डिफरेंट एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली. तो ना सिर्फ रिसर्च बल्कि प्रोडक्शन लेवल गूगल पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. लिहाजा अगर स्टार्टिंग लेवल पे आप टेंसर फ्लो के हवाले पे काम करने लगेंगे तो ये काफ़ी आपको ट्रिकी लगेगा. लिहाजा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक फर्दर एक लाइब्रेरी बनाई गई जो क्रॉस के नाम से मौजूद है जो इस टेंसर फ्लो को डायरेक्टली इस्तेमाल करती है. तो दूसरे ही टैब पर मैंने क्रॉस के साइट को ओपन किया हुआ है. तो क्रॉस एक डीप लर्निंग इंटेलिजेंसी को आसान करती है हमारे लिए ताकि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकें. तो इसके पेज पे ही बताया जा रहा है कि ना सिर्फ ये सिंपल है बल्कि फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल भी है. तो डीप लर्निंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, API लेवल पर इसका इस्तेमाल है. इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. मशीन लर्निंग पर हम जब डेटा को क्लासीफाई कर रहे होते हैं टेंसर फ्लो के जरिए तो क्रॉस हाईली इस पर हमें हेल्पफुल देता है क्योंकि ये टेंसर फ्लो के जरिए से ही वजूद में आया है. तो अगर आप फर्दर इसके हवाले से जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया और साथ ही साथ इनकी साइट्स पर आकर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये API लेवल क्रॉस को टेंसर फ्लो इस्तेमाल करता है और हमारे मॉडल पे फ्यू लाइंस ऑफ कोड के ज़रिए से हमारे ANN मॉडल को ट्रेन कर पाता है. लिहाजा अब हम कोल ऐप पर चलते हैं और कोल ऐप पर इस वक्त मैंने एक सेपरेट फाइल क्रिएट की हुई है नोटबुक की जिसको क्रॉस अंडरस्टैंडिंग के नाम से मैंने रीनेम किया हुआ है. तो इस पेज के अंदर मैं तमाम प्री प्रोसेसिंग के इनिशियल स्टेप हर लाइन करके दिखाऊंगा और ये तमाम चीज़ें आपको फ्रीली मिल जाएंगी मेरे ब्लॉग पर. तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं NumPy को. तो मैंने इंपोर्ट किया NumPy एस NP और शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम फ्रॉम scikit-learn से इंपोर्ट करते हैं डेटा सेट और इस वक्त जिस डेटा सेट को हम इस्तेमाल करेंगे वो है लोड अंडरस्कोर इरिस. तो इरिस एक फ्लावर डेटा सेट है और अभी इसमें जितने एट्रीब्यूट हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमें सब पता चल जाएंगे. तो मैंने इसे एंटर करके एग्जीक्यूट किया. उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इरिस के नाम से और इस पर हम अपने डेटा को लोड कर लेते हैं. तो लोड इरिस एग्जीक्यूट एंड If you want to see the type of the data, तो इसके लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ इरिस लिखो तो आपको अपने डेटा की टाइप का पता चल जाएगा कि किस टाइप का ये डेटा है. तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये बंच के फॉर्म पर, कलेक्शन के फॉर्म पर हमारे पास डेटा मौजूद है. इसी तरह से अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करना चाहते हो कि तमाम तफसीलात का आपको पता चले कि इसमें डेटा क्या है तो आप इसके लिए प्रिंट करवा सकते हो प्रिंट इरिस DECSR which means description in short. और मैंने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद ज़ूम आउट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि तमाम तफसील हमें बताया जा रहा है
इस डेटा सेट के हवाले से कि इसमें क्या है, इसमें कितनी क्वांटिटी है, 150 इनके डेटा सेट एट्रीब्यूट हैं, क्लासेस हैं, 4 इसमें डिफरेंट कॉलम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इनकी क्या नॉलेज है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बताया कि ये एक फ्लावर डेटा सेट है जिसमें इस वक्त 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और इन 4 एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर हम कैटेगोरिकल डेटा को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, जिसके 3 क्लासेस हैं। 3 क्लासेस से मुराद ये 0, 1 एंड 2, तो ये 3 टाइप्स के इसमें मौजूद हैं जिसको हम इस पूरे वीडियो सेशन के अंदर हैंडल करेंगे। तो हम टाइप देख चुके हैं, अब हम अपने एक्चुअल डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट डेटा को देखते हैं जिसको हम एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने एक्स पे इरिस डॉट डेटा लिखा और एंटर किया, तो इस बेस पर नॉट स्मॉल एक्स, इट्स गोइंग टू बी कैपिटल, और उसके बेस पर अगर मैं अपने कैपिटल एक्स को देखूँ तो हमारे पास जो ओवरऑल डेटा है, जो 4 एट्रीब्यूट्स मैंने अभी आपको टॉप पर दिखाया डिस्क्रिप्शन पे, उन चारों की वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, विच मीन ये इंडिपेंडेंट डेटा है। इस इंडिपेंडेंट डेटा को हमने एक्स में इनक्लोज किया हुआ है, और उसके बाद अगर मैं डिपेंडेंट डेटा की बात करूँ जिसे हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम इस डॉट टारगेट लिखेंगे, और उसके बाद अगर मैं वाई को डिस्प्ले करके दिखाऊं तो उसमें वो तीनों क्लासेस हमें दिख जाएंगी जिस क्लासेस के हवाले से मैंने बताया कि 0, 1 एंड 2, तो ये इस वक्त ये असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है और फिल्टर्ड फॉर्म पर हमें यहाँ पर डेटा दिखाया जा रहा है। अब बारी ये आती है कि जब प्री प्रोसेसिंग का इनिशियल पार्ट स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले अपने डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट डेटा को ना सिर्फ नॉर्मलाइज करते हैं बल्कि साथ ही साथ जहां पर इनडिपेंडेंट डेटा कैटेगोरिकल फॉर्म पर होता है तो हम उसे वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, विच मीन अगर हमारे पास इस क्लास के हवाले से बात हो रही है तो ये 3 क्लासेस के बेस पर आएगा। 3 क्लासेस के बेस पर किस तरह से शो होगा, तो मैंने इसको कर दिया 1 एंड 0 एंड 0, इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस डेटा के हवाले से बात हो रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के तमाम डेटा 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको 1 से ट्रू करके बाकी दोनों को फॉल्स कर दिया गया है। इसी तरह से मैं 10 इसे कर सकता हूँ 0 एंड इसे कर सकता हूँ 1, और इसी तरह से अब हम इसे 1 करके यहाँ पर 0 दिखा सकते हैं। तो ये कन्वर्जन है जिसके ज़रिए से क्लासिफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाती है, जिसको हम वन हॉट इनकोडिंग कहते हैं। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, लिहाजा कुछ कोड मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ लाइन। और अब सबसे पहले वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्रॉस से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा, तो मैंने लिखा फ्रॉम क्रॉस डॉट utils इम्पोर्ट टू कैटेगोरिकल, तो टू अंडरस्कोर कैटेगोरिकल, और उसके बाद मैंने कहा एग्जीक्यूट एंड y इक्वल टू, जो कि इनिशियली हमारे पास 0, 1 एंड 2 के फॉर्म पर मौजूद है, अब हम इसे टू कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कहा टू कैटेगोरिकल ब्रैकेट y एग्जीक्यूट एंड देन यू कैन सी द वाई एज वेल एज द शेप ऑफ द वाई। तो मैंने वाई को एग्जीक्यूट किया इस वक्त, और आप देख रहे हो कि इस वक्त वे वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट हो चुका है, और जिस तरह से जो चीज़ें मैंने कमेंट पे लिखी थी वही चीज़ आ गई हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके शेप को देखें तो इस वक्त ये जितनी क्वान्टिटी है बाय 3 शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पहले 1 शेप में था। तो यहाँ पर इस वक्त अगर आप इसको शेप को देखोगे तो ये 1 है, जबकि मैंने जब 1 हॉट इनकोडिंग की है तो इसके शेप 3 हो चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, सबसे पहले हम इरेस के डेटा सेट को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, टाइप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देखा हमने, और उसके बाद कैटेगोरिकल जो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट डेटा है उसको हमने देखा, और साथ ही साथ हमने उसे वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट किया। अब बारी यह आती है कि हम अपने डेटा को स्प्लिट किस तरह से करते हैं। तो स्प्लिट करने का तरीका ये है कि हम अपने डेटा को टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन पार्ट पे डिवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश हमारी 2 चीज़ों पे होती है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पे। लिहाजा इसके लिए से हम scikit-learn को इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट का इस्तेमाल करके अपने डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे। लिहाजा मैंने कुछ चंक ऑफ कोड्स अलग अलग पैरा पे भी बनाए हुए हैं ताकि जब आप इसे रीड कर रहे हो तो बेहतर तरीके से आपको बात समझ में आ जाए। लिहाजा इसके लिए हम फ्रॉम scikit-learn, मैं जूम करता हूँ, फ्रॉम scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन अंडर स्कोर टेस्ट स्प्लिट, और उसके बाद हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं विच मीन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन टेस्टिंग जितने प्रोसीजर होते हैं हम उसे ले सकते हैं यहाँ पर।
तो इसके लिए अगर आप नीचे की तरफ आओ तो आपको यहाँ से वो लाइन मिल जाएगी जिसे मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जूम आउट करते हैं और इससे हम समझते हैं। देखो, हम अपने डेटा को जिस रेंज पर स्प्लिट कर रहे हैं उसमें ओरिजिनली हमारे पास दो वेरिएबल हैं, कैपिटल एन एक्स वाई, जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा है। तो इसमें मैंने कहा कि हम 33% को इस वक्त टेस्ट के लिए रिजर्व कर रहे हैं और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जितने परसेंट हैं उसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रैंडम स्टेट 42 यहाँ पर लिखी है मैंने, जो रैंडमाइज मैनर पर डेटा को स्प्लिट करेगा। तो डेटा दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए हमने एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन लिखा, एक्स टेस्ट लिखा हुआ है, जबकि वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट दोनों फॉर्म पर डेटा को स्प्लिट किया गया। तो स्प्लिट करने लिखने के बाद मैंने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मैं इंडिविजुअली तमाम डेटा को देख सकता हूँ कि वो स्प्लिट होने के बाद किस तरह से दिख रही हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स टेस्ट लिखा, एक्स सॉरी नॉट दिस वन, एंड सिमिलरली तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, लेट्स सी। तो एक्स ट्रेन को हमने एग्जीक्यूट किया, इस वक्त जो स्प्लिट होने के बाद डेटा है वो यहाँ पर ओरिजिनली आ चुका है। फिर इसी तरह से एक्स टेस्ट वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, तो जो हमारे पास डिपेंडेंट डेटा थे वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं, जिसमें 33 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इस वक्त मौजूद है। तो उसके बाद बारी ये आती है, क्योंकि इस सेशन पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज करें। नॉर्मली जब हमारे पास बंच ऑफ द डेटा होता है जो नॉर्मलाइज फॉर्म पर नहीं होता, तो हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज फॉर्म पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है जब हम डीप लर्निंग पर काम कर रहे होते हैं कि हम अपने डेटा को स्प्लिट करके स्टैंडर्ड फॉर्म पर रखें, ताकि उसकी ट्रेनिंग या टेस्टिंग बड़े आसानी के साथ हो सके। तो scikit-learn को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मिन मैक्स स्केलर को, जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को 0, 1 या फिर -1 से +1 के दरमियान डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि इस वक्त ओरिजिनली अगर आप अपने टारगेट डेटा सेट वैल्यू को देखो तो वैल्यू इस वक्त यहाँ पर 6, 7, 4, 1 के दरमियान मौजूद है। तो क्यों ना हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट कर लें। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यहाँ पर मिन मैक्स को इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इस चंक ऑफ कोड के अंदर मैं scikit-learn का ही इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने कहा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, और इस प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने मिन मैक्स का इस्तेमाल करना है स्केलर फॉर्म पर। और इस मिन मैक्स में हम अपने ओरिजिनली डेटा सेट को जो हमारे पास एक्स ट्रेन मौजूद है या एक्स टेस्ट मौजूद है उसे कन्वर्ट कर देंगे। लिहाजा सबसे पहले मैंने मिन मैक्स को इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्केलर ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। और इस स्केलर ऑब्जेक्ट को हम मिन मैक्स का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो हियर इट इज़ मिन मैक्स, द इंस्टेंस ऑफ मिन मैक्स। उसके बाद हम इसी स्केलर ऑब्जेक्ट में फिट करेंगे अपने डेटा को, किसको, एक्स ट्रेन को। तो मैंने कहा फिट, ओरिजिनली वाजे रहे कि इस वक्त जो एक्स ट्रेन है हमारे पास वो अनट्रांसफॉर्म पर मौजूद है, यानी उसका डेटा स्टैंडर्ड नहीं है, ओरिजिनली जिस चीज़ पे वो मौजूद था उसी पे मौजूद है। लेकिन अब स्केलर ऑब्जेक्ट फिट होने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ जाएगा। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद जिस तरह से हमारे पास एक्स ट्रेन इस वक्त फिट हुआ है, अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखते हैं हम स्केल्ड। तो स्केल अंडरस्कोर एक्स ट्रेन इज इक्वल टू स्केलर ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मैं हमने पहले सिर्फ फिट किया था, अब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और हम अपने एक्स ट्रेन को कॉल करेंगे। दैट्स इट, एग्जीक्यूट। एंड फाइनली जिस तरह से हमने एक्स ट्रेन को किया है इसी तरह से हम एक्स टेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, जहाँ पर एक्स ट्रेन लिखा हुआ है इस ट्रेन की जगह पर हम टेस्ट करते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स टेस्ट आ जाएगा। दैट्स इट, स्केलर ऑब्जेक्ट का हमने इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए से स्केलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर लिया है यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपने डेटा यानी एक्स ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं, स्केल के मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं, और इसी तरह से एक्स ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मौजूद है। लिहाजा इसके लिए कुछ चंक ऑफ कोड ऐड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मौजूद है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक्स ट्रेन
जो कि ओरिजिनल डेटा है हमारे पास। तो मैंने कहा एक्स ट्रेन डॉट मैक्स, तो जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है हमें वो रिटर्न हो जाएगी। तो इस वक्त इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 7.7 जब नॉर्मलाइज्ड या प्री प्रोसेसिंग होने से पहले, और जब प्री प्रोसेसिंग होने के बाद अगर मैं देखूँ जो हमारे पास एक्स स्केल एक्स ट्रेन है विच मीन दिस वन, तो मैंने इसे कॉल किया और इसमें से अगर मैं मैक्स वैल्यू को कॉल करूँ तो इस वक्त ये प्री प्रोसेस होने के बाद मैक्सिमम वन वैल्यू मौजूद है, यानी 0 से 1 के दरमियान वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से आप चाहें तो एक्स ट्रेन को ओरिजिनली भी देख सकते हैं, तो मैंने एक्स ट्रेन को यहाँ पर लिखा और इसी तरह से मैंने एक्स ट्रेन को देखा कि आप देख रहे हो कि एक्स ट्रेन ओरिजिनल वैल्यू है यहाँ पर, विच मीन जिस तरह से हमें स्प्लिटिंग डेटा किया था वही है। लेकिन अगर मैं एक्स स्केल एक्स ट्रेन को देखूँ तो इस वक्त ये स्प्लिट होकर स्केल्ड होने के बाद हमें दिखेगी, लिहाजा इसे हम डिस्प्ले करते हैं। तो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि अब हमारे पास डेटा 0 से 1 के दरमियान स्केल्ड हो चुका है, जो हमारे मॉडल को ट्रेन करने में काफ़ी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल क्रॉस के अंदर इस्तेमाल होता है कि हम डेटा सेट को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं और इसी तरह से वन हॉट इनकोडिंग की अगर ज़रूरत है तो वो करते हैं। अब हमारा मॉडल प्री प्रोसेसिंग की इनिशियल स्टेज पर से गुजर चुका है, अब हम डायरेक्टली अपने सिक्वेंशियल लेयर यानी क्रॉस मॉडल को, डीप लर्निंग के मॉडल को इस्तेमाल करेंगे और अपने मॉडल को ट्रेन एंड टेस्ट करेंगे। लिहाजा इसके लिए नीचे की तरफ आएंगे और ये हमने एक चंक ऑफ कोड बनाया हुआ है जिसको बिल्डिंग द नेटवर्क विद क्रॉस लिखा हुआ है, यानी ANN का मैं मॉडल बनाना चाह रहा हूँ अब किसको यूज़ करते हुए, क्रॉस को यूज़ करते हुए। लिहाजा इसके लिए हम फ्रॉम क्रॉस डॉट मॉडल्स को कॉल करेंगे और इस मॉडल में से जिस मॉडल को हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल। क्योंकि सिक्वेंशियल का यहाँ पर इस्तेमाल ये है कि जो बंच ऑफ दी सिक्वेंसेस होते हैं लेयर्स के, उनके लिए सिक्वेंशियल लेयर का इस्तेमाल होता है और जिसके ज़रिए से मैं लेयर बनाऊंगा उसे हम डेंस कहते हैं। लिहाजा उसे इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा फ्रॉम क्रॉस डॉट लेयर्स और इस लेयर्स में से हम इंपोर्ट करेंगे डेंस को। दैट्स इट, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट और उसके बाद हम सबसे पहले मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल बनाने के लिए मैंने कहा मॉडल डॉट मॉडल इक्वल इज सिक्वेंशियल और हमारा मॉडल इस वक्त विथ रिस्पेक्ट टू द सिक्वेंशियल इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब बारी इस बात की है कि इन मॉडल को हम मल्टीपल लेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो प्रीवियस सेशन पे भी हमने देखा उसमें हमारे पास इनपुट लेयर था, फिर हिडन था, उसके बाद हमारे पास आउटपुट लेयर था और साथ ही साथ हमने ये भी वहाँ पर समझा था कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की क्वांटिटी इज़ अप टू यू, इसी तरह नंबर ऑफ द हिडन लेयर्स भी अप टू यू। ये कॉम्पिटिशनल पावर और आपके डेटा सेट पर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिस बेस करता है कि हम उसमें कितने लेयर्स और कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखते हैं। लिहाजा इसके लिए हम मॉडल डॉट ऐड और ऐड के अंदर अपने डेंस लेयर को कॉल करेंगे और सबसे पहले नंबर ऑफ़ दी न्यूरॉन्स मैंने यहाँ पर 8 बता दिया, ठीक है, इट्स अप टू यू एंड बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिस। इसके डिफरेंट पैरामीटर मौजूद है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिनकी हमें इंपॉर्टेंटली ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, उसके बाद इनपुट डायमीटर है कि इनपुट लेयर्स पर आप कितना रखना चाहते हैं। तो मैंने इनपुट पर क्वान्टिटी बता दी इनपुट अंडरस्कोर डिम 4 और इसके बाद जिस एक्टिवेशन फंक्शन का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो वो बताओगे। तो हमने प्रैक्टिस सेशन पे थ्योरेटिकली भी देखा था कि जो इनपुट लेयर है और हिडन लेयर है उसमें हम रिलो का इस्तेमाल करते हैं जबकि आउटपुट पे सिग्मोइड या फिर सॉफ्ट मैक्स का। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर रिलो लिखा और फर्स्ट लेयर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं एक हिडन लेयर बनाता हूँ, तो इसके लिए मैंने इसी लाइन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इसे पेस्ट किया और सेम डेफिनेशन हम यहाँ रहने देते हैं। उसके बाद हम दूसरी लेयर को क्रिएट करते हैं जो हमारे आउटपुट की होगी और फाइनली हमें आउटपुट रिसीव करेगी। तो इस वक्त हमारे पास जो आउटपुट लेयर पे न्यूरॉन की क्वांटिटी होगी वो 3 होगी क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो डेटा सेट टारगेट का मौजूद है वो कैटेगोरिकल है जिसमें 0, 1 एंड 2 के फॉर्म पर रिकॉर्ड मौजूद है। तो यही वजह है कि मैंने न्यूरॉन्स की क्वांटिटी 3 कर दी और अब हमें मज़ीद इनपुट पैरामीटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो यहाँ से कन्वर्ट होकर सॉफ्ट मैक्स में चला जाएगा। सॉफ्ट मैक्स में जाने की वजह ये है कि इस वक्त हमारे पास जो आउटपुट है वो कैटेगोरिकल फॉर्म पर मौजूद है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर ये कर ली। उसके बाद बारी ये आती है कि हम अपने मॉडल को कंपाइल करें। मॉडल रेडी हो चुका है तो मैंने कहा मॉडल डॉट कंपाइल
और कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हमें लॉस बताना होता है कि जो लॉस फंक्शन हमारे पास काम करेगा वो किस तरह से करेगा। तो लॉस फंक्शन हमारे पास कैटेगोरिकल पे काम करेगा, ठीक है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास आउटपुट 1 and 0 and 1 के फॉर्म पर हो, और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास मोर देन 2 आउटपुट पैरामीटर मौजूद हो इन टर्म ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी और बाहर आऊँगा, और उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है। एज वी नो ऑप्टिमाइज़र का काम मैनेज करना होता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऑप्टिमाइज़र है वो एडम है। अगर आप ऑप्टिमाइज़र के हवाले से जानना चाहते हैं तफसीलन तो आप डीप लर्निंग के मेरे कोर्स पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ना सिर्फ इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज़र को बताया बल्कि जितनी टाइप्स हैं हमने उन चीज़ों को भी डिस्कस किया है। उसके बाद एक्यूरेसी दिखाने के लिए हम मैट्रिक्स के पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर एक्यूरेसी लिखेंगे ताकि साथ ही साथ हमें हर एपक्स में अपनी एक्यूरेसी का पता चले। तो एक्यूरेसी नाउ इन दिस स्टेज अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा ना सिर्फ लेयर्स एक्टिव हो चुके हैं बल्कि साथ ही साथ हम अपने मॉडल को भी कंपाइल कर चुके हैं। अब डायरेक्टली हम अपने मॉडल को फिट करेंगे, लिहाजा इसके लिए मैंने इसे एग्जीक्यूट किया इस चंक ऑफ कोड को, और उसके बाद हम अपने मॉडल को फिट करने के लिए लिखते हैं मॉडल डॉट फिट। और किस चीज़ से फिट करना है, फिट करने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हैं। एक तो हमारे पास एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है। हमने एक्स ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया है स्केल एक्स ट्रेन पे जो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट था, लिहाजा प्री प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास वेरिएबल बनाया है स्केल, तो मैंने लिखा स्केल अंडर स्कोर एक्स ट्रेन कॉमा, उसके बाद है हमारे पास वाई ट्रेन, तो वाई अंडर स्कोर ट्रेन, उसके बाद एपक्स की क्वांटिटी जितनी आप चाहते हो, तो एपक्स की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 150 लिखी। ब्रीफली अगर एपक्स के हवाले से बताऊँ तो वन एपक्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो होल नेटवर्क है ANN वो एक दफ़ा ट्रेन हो, तो विच मीन 150 दफ़ा मैं उसको बार बार ट्रेन करवा रहा हूँ। इसके बाद वर्बोस का एक पैरामीटर है जो डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, शो करवाता है। अगर आप वन लिखेंगे तो सिर्फ एक चीज़ शो होगी, टू लिखेंगे तो दो अलग अलग चीज़ें वाइल्ड ट्रेनिंग जब एपक्स चल रहे होंगे तो नीचे पैरामीटर्स के फॉर्म पर वो दिखा रहे होंगे। तो वर्बोस लिखने के बाद मैं अपने मॉडल को एग्जीक्यूट करता हूँ फिट करने के लिए। तो ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग, लॉस फंक्शन कैटेगोरिकल एंट्रोपी, अच्छा यहाँ कुछ स्पेलिंग की गलती है, ठीक है। तो मैंने इसकी स्पेलिंग सही कर दी है, उसके बाद मैंने दोबारा फिट को हम रन करते हैं एंड लेट्स सी के एंड हेयर वी गो। तो आप देख रहे हैं कि तमाम एपक्स हमारे फास्टली चल गए क्योंकि हमारे पास डेटा सेट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसकी एक्यूरेसी अगर फर्स्ट एपक्स से देखी जाए जब अपने मॉडल को मैंने एग्जीक्यूट किया 150 के साथ तो 31 थी, और सो ऑन ये इस तरह से चलता रहा, और एट लास्ट अगर आप यहाँ पर आकर देखो तो एट लास्ट जो इसकी एक्यूरेसी आई है वो 96-95 एक्यूरेसी चली। उसके बाद बारी ये आती है कि हम अपने मॉडल को फिट करें, ठीक है, क्योंकि हम अपने ट्रेन करने के बाद मॉडल को देख चुके हैं कि हमारा मॉडल किस तरह से चल रहा है ट्रेनिंग में, और अब टेस्टिंग में हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि टेस्टिंग में इसकी एक्यूरेसी और रिजल्ट क्या रह रही है। लिहाजा इसके लिए मैं दोबारा मॉडल को कॉल करूँगा, और अब मॉडल्स को फिट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिहाजा अब टेस्ट पर मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो लिहाजा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट को हमने कॉल किया, और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट के अंदर हम अपने स्केल डेटा को कॉल करेंगे। तो मैंने लिखा स्केल अंडर स्कोर एक्स टेस्ट, ठीक है, ट्रेन हम कर चुके हैं, इसके बेस पर हम प्रेडिक्शन इसकी देखेंगे। और इस वक्त जो प्रेडिक्टेड डेटा हमारा प्री प्रोसेस फॉर्म पर फॉर्म हुआ है वो इस वक्त एरे के फॉर्म पर मौजूद है, जिसकी हम आगे जाकर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी देखेंगे और एक्यूरेसी भी देख पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं मॉडल डॉट प्रेडिक्टेड क्लासेस देखूं, क्योंकि क्लासेस भी मुझे प्रेडिक्ट करना है, और ये जो क्लासेस प्रेडिक्ट होंगी वो स्केल एक्स टेस्ट से होंगी, तो हमने लिखा स्केल एक्स टेस्ट एंड एग्जीक्यूटेड अगेन एंड हेयर इट इज़ योर क्लासेस। तो पहले जो डेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाइज आया स्केल एक्सेस में वो टेस्ट प्रेडिक्ट पर आया, और उसके बाद जब मैंने क्लासेस को प्रेडिक्ट किया इन डेटा के बेस पर तो ये हमारे पास प्रेडिक्ट होने के बाद क्लास आई है। इसका एक्चुअल पार्ट भी हमारे पास मौजूद है, और जो प्रेडिक्ट होने के बाद हमारे मॉडल ANN के जरिए से आया है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। लिहाजा अब हम चलेंगे अपने मॉडल को ट्रेन एंड फिट, हम दोनों कर चुके हैं, अब हम प्रेडिक्टिंग न्यू अनसीन डेटा देखेंगे। तो ये पार्ट मैं ऊपर ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो मैं यहाँ से
इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और अब हम चलते हैं अनसीन डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो प्रेडिक्टिंग न्यू अनसीन डेटा पे ये है कि हमारे पास वो डेटा जिसको हमने देखा नहीं है और उसके बेस पर हम अभी हमने स्केल एक्स टेस्ट के ज़रिए से उसकी क्लासेस भी देखी, अब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी देखेंगे और उसकी एक्यूरेसी प्लॉट करके भी देखेंगे। लिहाजा इसके लिए मॉडल की एक्यूरेसी और न्यू अनसीन डेटा बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। तो एक्चुअली अनसीन डेटा वही है जो जिसको हमने स्प्लिट किया टेस्ट के लिए, जो कि 0.33% था, यानी 33% डेटा को हमने अनसीन रखा है जिसके बेस पर अपने मॉडल की एक्यूरेसी देखेंगे। तो लिहाजा इसके लिए हम जूम करते हैं और यहाँ से उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो मैंने कहा मॉडल डॉट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स अंडरस्कोर नेम, देन उसके बाद हम मॉडल को इवेल्यूएट करेंगे। तो आप देख रहे हो लॉस और एक्यूरेसी हमारे पास मौजूद है। तो मॉडल डॉट इवेल्यूएट, किस चीज़ को इवेल्यूएट करना है? तो मैंने कहा स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको मैंने कहा स्केल्ड एक्स टेस्ट हेयर वाई इक्वल टू वाई टेस्ट, तो वाई अंडरस्कोर टेस्ट। उसके बाद हम सैकेंड लाइन के ज़रिए से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट करेंगे, जिसमें आप देख रहे हो कि दोनों डेटा हमारे पास स्मॉल एक्स एंड वाई पे आ चुका है। तो फ्रॉम सैकेंड लाइन डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कॉमा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, दैट्स इट। उसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ प्रेडिक्शन के नाम से, ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग, कॉमा मिस था वो मैंने कर दिया, कैन नॉट सक्सेसफुली इम्पोर्टेड। तो वेरिएबल हमने क्रिएट किया प्रेडिक्शंस के नाम से और इस प्रेडिक्शन पे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्लासेस जो मैं ऑलरेडी ऊपर दिखा भी चुका हूँ, लेकिन अब मॉडल डॉट प्रेडिक्टेड क्लासेस मैं एक्स टेस्ट से कंपेयर करूँगा। यानी एक तो प्रेडिक्शन क्लास हमारे पास वो है जो एक्स टेस्ट में मौजूद है और दूसरी हम प्रेडिक्ट करके उसके ज़रिए से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा स्केल डॉट एक्स टेस्ट के ज़रिए से प्रेडिक्शन की वैल्यू इस प्रेडिक्शन वेरिएबल पर सेव होगी और अब हम प्रेडिक्शन को यहाँ पर देख पाएंगे। लेट्स सी, तो एग्जीक्यूट किया मैंने, तो इस वक्त ये वो डेटा है जो हमारे टेस्ट के से कंपेयर होगा प्रेडिक्शन वाइज। लिहाजा इस चीज़ को मज़ीद इन्हेंस्ड करने के लिए और देखने के लिए मैंने कहा वाई अंडरस्कोर टेस्ट और इसको हमने आर्क मैक्स से हैंडल करना है, जहाँ पर एक्सेस शुड बी इक्वल टू वन और उसके बाद में हम इसके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कहा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस किस का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किसके दरमियान बनेगा, वाई टेस्ट जो कि ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, और इस वाई टेस्ट को हम आर्ग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आर्ग मैक्स में, जहाँ पर एक्सिस की वैल्यू 1 के बराबर होगी और उसके बाद वो एक्चुअल वैल्यू के बाद जो हमने वैल्यू यहाँ पर मालूम किया वो है प्रेडिक्शन। इन दोनों के दरमियान हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है, लिहाजा इन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को मैंने डिस्प्ले किया, जिसमें आप देख रहे हो कि इस वक्त जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो 0, 1 and 2 के फॉर्म पर मौजूद है। तो विच मीन दिस वन इज़ द राइट प्रेडिक्शन, राइट प्रेडिक्शन, राइट प्रेडिक्शन, सिर्फ दो हमारे पास रॉन्ग प्रेडिक्शन है इस वक्त इस क्रॉस मॉडल जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को परफॉर्म किया। और इस बेस पर अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को देखूं, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखने के लिए हमने इसी लाइन को कॉपी किया जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की है और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट और इस प्रिंट को इनक्लोज करते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास इस बॉडी के अंदर इनक्लोज रहेगी। एंड लेट्स सी द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एंड हियर इट इज़ योर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जिसमें प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर एंड रिपोर्ट मौजूद है और इसके ज़रिए से ओवरऑल हमें रिपोर्ट का पता चल रहा है और साथ ही साथ अपने मॉडल की अप्रोप्रिएट मैनर पर वर्किंग किस क्लासेस पे कितनी हो रही है वो भी यहाँ पर दिख रही है। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी। इस सेशन के अंदर हमने तफसीलन जाना है कि हम क्रॉस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किन किन स्टेप्स के साथ। लास्ट में ये बात होती है कि जो मॉडल हमारा ट्रेन हुआ है अगर आप उसको सेव करवाना चाहते हैं तो .h5 एक्सटेंशन की फाइल पर आप इसे सेव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि .h5 एक्सटेंशन है क्या और किस तरह से हम अपने मॉडल को सेव कर इसे इन फ्यूचर कहीं और जगह पर इस्तेमाल कर पाते। तो इस
वक्त मैंने H5 की फाइल को गूगल पे लिखा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि H5 फाइल इज अ डेटा फाइल सेव्ड इन द हायरार्किकल डेटा फॉर्मेट्स, इट कंटेन मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ साइंटिफिक डेटा। तो ये आपके उस डेटा को जो आपके मॉडल पे ट्रेन होने के बाद रेडी है उसको सेव करता है मल्टी डायमेंशनल फॉर्म पर, और इन फ्यूचर जहाँ पर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसे कर पाएंगे। लिहाजा अपने इस मॉडल को सेव करने के लिए हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल में इसे सेव कर देते हैं। तो मैंने कहा मॉडल डॉट सेव, ठीक है, मॉडल को मैं सेव करना चाह रहा हूँ। मॉडल को किस में सेव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन पे फाइल का नाम लिखता हूँ। तो मैंने कहा माई फर्स्ट मॉडल फाइल डॉट H5, हेयर वी गो, एग्जीक्यूट इट। और उसके बाद अगर आप फ्रॉम scikit-learn से लोड मॉडल को इंपोर्ट करें तो अपने मॉडल को लोड भी करवा सकते हैं जहां पर आपने लोड करवाना है। तो मैंने कहा फ्रॉम क्रॉस डॉट मॉडल्स इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर मॉडल। तो लोड मॉडल के ज़रिए से आप इसे इंपोर्ट करवाएंगे। तो मैंने कहा न्यू मॉडल इक्वल लोड अंडरस्कोर मॉडल, जिस मॉडल को आपने करना है उसका नाम आप यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे, जिसको आपने सेव करवाया। तो मैंने इसे सेव करवाया, मैंने इसे दोबारा यहाँ पर लोड के लिए इंपोर्ट किया, और अब ये फाइल जो कि यहाँ पर बनी थी उसको मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, लोड करवा चुका हूँ। लिहाजा अब हम इस न्यू मॉडल वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करेंगे और उसके ज़रिए से प्रिडिक्ट करेंगे अपनी क्लासेस को, जो उसमें प्रिडिक्ट क्लासेस मौजूद हैं, किसके रिस्पेक्ट से, एक्स टेस्ट के रिस्पेक्ट से, एंड हियर इट इज़। तो ये हमारे पास वही प्रेडिक्टेड क्लास वापस आ गई जो इस फाइल पर इस वक्त सेव होकर मौजूद है। लिहाजा इस फाइल को या इस सेव मॉडल को मैं जहाँ चाहूँ इन फ्यूचर इस्तेमाल करके अपने मॉडल पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने तफसीलन जाना कि क्रॉस क्या है, किस तरह से वर्क करती है। और मैं ब्रीफली अगर इन चीज़ों को रिपीट करूं तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमने ये देखा कि हम डेटा सेट को क्रॉस से किस तरह से इरिस के डेटा को लोड करेंगे, उसके टाइप्स को और उसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, टारगेट और सिंपल डेटा से क्या मुराद है, कैटेगोरिकल डेटा को हम क्यों करते हैं वन हॉट इनकोडिंग में ताकि हमारे पास जो शेप्स हैं और अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे लिए आसान हो जाए, टेस्टिंग एंड स्प्लिटिंग डेटा देखा हम किस तरह से स्प्लिट करते हैं, प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत जहाँ पर होती है हम किस तरह से नॉर्मलाइज फॉर्म पर डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म पर करते हैं जिसके ज़रिए से आपका डेटा 0 और 1 पर कन्वर्ट हो जाता है। वाज़र है मिन मैक्स का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि जो एरे है आपके पास कलेक्शन उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है, तो वो 10 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से आपकी वैल्यू 0 और 1 पर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमने उसकी मैक्स वैल्यू को देखकर वेरीफाई किया और उसके बाद हमने अपने मॉडल को यहाँ पर क्रिएट किया और उसके अंदर हमने सिक्वेंशियल और इसी तरह से डेंस लेयर का इस्तेमाल किया, क्रॉस एंट्रोपी एडम ऑप्टिमाइज़र का इस्तेमाल करके हमने 150 एपक्स पर इसको रन किया। रन करने के बाद हमारा मॉडल यहाँ पर ट्रेन हो चुका था। फिर हमने टेस्टिंग पर प्रेडिक्शन वैल्यू निकाली और प्रेडिक्शन देखने के बाद हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से इसका फाइनलाइज रिजल्ट देखा कि हमारा मॉडल किस तरह से वर्क कर रहा है, और उसके बाद हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से उसकी मजीद प्रिसिशन रिकॉल वैल्यू देखी। फाइनली उसके बाद हम मॉडल को किस तरह से सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद इन फ्यूचर किस तरह से उसे इस्तेमाल कर पाएंगे प्रेडिक्टेड क्लास को दिखाकर, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिले। ये तमाम कोड प्रेजेंटेशन स्लाइड मेरे ब्लॉग fahadhussainCSBlogspot.com पर आपको मिल जाएगी, विद ईज आप इन्हें वॉच करके यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, जबकि तमाम वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। Thank you.